20 जून रात 8 बजे केजरीवाल को लोअर कोर्ट से बेल मिलती है। 21 घंटे बाद 21 जून शाम 5 बजे रिहाई पर स्टे लग जाता है। फिर 25 जून दोपहर करीब 2:30 बजे केजरीवाल की रिहाई पर ब्रेक लगा दिया गया। इन 114 घंटे और 30 मिनट में लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक फाइल घूमती है, दलीलों का दौर चलता है। लेकिन इतने घंटे में ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल 94 दिन बाद रिहा होते होते रह गए? सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका। हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत। तिहाड़ जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है, मतलब फिलहाल मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हैं, जो इंटरिम स्टे मिला था उसके खिलाफ हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। ये आज का जो जजमेंट है उसी लाइन पे है। अच्छा। तो क्योंकि हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो एंट्री स्टे है उसका चैलेंज जो है कल के लिए लिस्टेड है, तो आज हम इस ऑर्डर की कॉपी के साथ में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इसको जो है कंसीडर किया जाए, इस चैलेंज को भी। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि जब एक बार बेल ग्रांट कर दी जाती है तो उस बेल के ऊपर जो है कोई किसी तरीके का स्टे जो है वो हमारे अकॉर्डिंगली जो है वो जस्टिफाइड नहीं होता है। केजरीवाल के लिए अब आगे का रास्ता क्या है, इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत रद्द क्यों की और कोर्ट ने क्या कहा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दस्तावेजों को ठीक से नहीं पढ़ा, पीएमएलए की जरूरी शर्तों का पालन नहीं हुआ, वैकेशन जज ने एससी जजमेंट को ठीक से नहीं पढ़ा, ईडी को जमानत पर बहस के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, केजरीवाल को चुनाव के दौरान एक बार अंतरिम जमानत पहले ही मिल चुकी है। हाई कोर्ट हैज अप्रिशिएटेड आवर आर्गुमेंट्स एंड हैज स्टेड ऑर्डर ऑफ बेल इन फेवर ऑफ मिस्टर केजरीवाल। Several observations made, one regarding section 45 having not been considered properly. केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की है और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हाई कोर्ट की एक बेंच लोअर कोर्ट के ऑर्डर आए बिना, लोअर कोर्ट का ऑर्डर देखे बिना, जिस ऑर्डर को आपने पढ़ा ही नहीं कि उस ऑर्डर में लिखा क्या है, किस बिना पे क्या ऑर्डर दिया गया है, उस ऑर्डर के आए बिना, अपलोड हुए बिना वो ऑर्डर स्टे कर दिया था जज साहब ने, जिसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो आपने कल सुना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट गलती करे तो हम गलती नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने गलती की। इसके लिए अंग्रेजी का शब्द है प्रिजुडिस और हिंदी का शब्द है पूर्वाग्रह। मेरा मानना है कि हाई कोर्ट की वो बेंच पूर्वाग्रह प्रीजुडिस से ग्रसित थी। अब आपको केजरीवाल पर बीजेपी का रिएक्शन सुनवाते हैं, फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर अब तक की पूरी टाइमलाइन भी समझाएंगे। मैं माननीय हाई कोर्ट के इस रूलिंग का वेलकम करता हूं। दिल्ली में शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका है और वो इस पूरे घोटाले के सूत्रधार है, ये चीजें स्पष्ट हैं। खुद माननीय हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल की शायद रूलिंग है जिसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है और जांच एजेंसी के पास उपयुक्त साक्ष्य हैं। लेकिन सर, सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है
कि जो बेंच सुनवाई कर रही थी वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थी कहीं ना कहीं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा हाईकोर्ट से उम्मीद नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर माननीय हाईकोर्ट के लिए इस तरह की टिप्पणी दिल्ली में बैठे हुए संवैधानिक पद पर एक मंत्री कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए इनका चरित्र क्या है। शर्मनाक है ये टिप्पणी। अगर कोर्ट इनके पक्ष में निर्णय दे तो सत्यमेव जयते, और अगर कोर्ट इनके पक्ष में निर्णय नहीं दे तो कोर्ट जो है वो पक्षपाती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी मार्च में हुई थी, तब से अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ, अब इस पर एक नजर डालते हैं। 21 मार्च 2024 नौ समन के बाद ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट किया। 10 मई 2024 चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को 21 दिन की बेल मिली। 2 जून 2024 आदेश के मुताबिक केजरीवाल दोबारा जेल पहुंचे। 20 जून 2024 लोअर कोर्ट से केजरीवाल को बेल मिल गई। 21 जून 2024 हाई कोर्ट में ईडी ने बेल को चैलेंज किया। 24 जून 2024 सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन तक सुनवाई टाली। 25 जून 2024 हाई कोर्ट से केजरीवाल को जमानत नहीं मिली।